नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने हमें पहले सब्सक्राइब और लाइक किया उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लाउज की सिलाई कैसे की, वो भी अस्तर वाले। हम जब ब्लाउज की सिलाई करते तो हमें डर लगता है, और क्या होता है, सिलाई अच्छी आएगी क्या नहीं, कपड़ा खींचेगा क्या, फिटिंग आएगी क्या नहीं, आर्मोल कैसे होता है, आई पट्टी हुक पट्टी कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ दोस्तों, तो प्लीज आखिरी तक वीडियो देखना है, बीच में स्किप ना करें। यदि आप बीच में स्किप कर रहे होंगे तो आपको जो भी टिप्स होगी आपको मालूम नहीं होगी, तो आप बोलेंगे गीता ने बताया नहीं है ना। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहोगी, आप सभी को मालूम है हमारी गीता लेडीज टेलर की कटिंग है, सभी को पसंद है। और जिन लोगों ने लिया है कटिंग तो प्लीज कमेंट करें, और जिन लोगों ने नहीं लिया जो कमेंट करेंगे और जो पढ़ेंगे तो वो भी कटिंग लेंगे। और 101% के साथ बताओगी कि कटिंग हमारी जो है परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सबसे सस्ती भी है कटिंग और सबसे अच्छी भी, तो चलो लेना चाहोगे ना, तो चलो भी ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने पूरी स्टिचिंग बताने वाले प्रिंस कट की। हाँ दोस्तों, आखिरी तक वीडियो आपने देखना है। अभी यहाँ पे हमने पहले इसकी कटिंग बता दी है आपको, इसके आगे के वीडियो में आप देख सकते हो। तो अभी इसे हम स्टिचिंग करेंगे, ये साइड का भाग थोड़ा साइड रख लेते हो और आगे का पार्ट ले लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जिससे कि थोड़ा दिख रहा है इसे हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे फेविकोल से चिपकाया है पहले ही, तो ये थोड़ा बज गया था इसलिए मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेती हूँ। अभी आगे का पार्ट सिलना है हमें, तो आगे का पार्ट पहले ले लेना है, देख सकते हो। हाँ दोस्तों, ये स्लीव्स का पार्ट है और ये कटोरी का पार्ट है, इसे हमें पहले ऐसे रख लेना है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बात बताती हूँ आपको टिप्स, जो स्लीव्स का पार्ट है ना, तो इसे हमें निशानी नहीं मारनी, जो कटोरी का पार्ट है इसे हमें से निशानी मार लेनी है। यानी जब क्या होता है, हम लोग सिलते सिलते ये वाला पार्ट कभी कभी यहाँ पे भी सिल लेते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी इसे हमें पहले क्या करना है, इसे निशानी कर लेनी है, देख सकते हो इस तरीके से। ओके, अभी एक पार्ट सिल लेती हूँ, इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे एक बताना चाहूंगी, यदि हमारे यहाँ पे टक ज्यादा हो जाता है और पफ आता नहीं है, तो मैं आपको एक बता रही हूँ। अभी देखो, ये वाला यहाँ से बराबर आ रहा है, इसका टोक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये जा रहा है, देख सकते हो। इसका पॉइंट यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ है, कितना अंतर है, कोई बात नहीं, आपको सभी को मालूम हमारी जो कटिंग होती है हमें एक्स्ट्रा हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको परफेक्ट रख लेना है, यहाँ से परफेक्ट देखना हो यहाँ से इसे देखना, अभी ये देख सकते हो। तो इसे मैं हल्के से जहां पे ये पॉइंट दिख रहा है, तो यहां से मैं इसे चौक से निशानी करनी है और हल्के से इसे मैं इसे स्ट्रेट में कट कर लेना है, देख सकते हो इस तरीके से, इतना ही कट करना है, कभी हुआ तो कट करना, नहीं तो नहीं कट करना। अभी आप देख सकते हो यहां पे इसे मैंने परफेक्ट लगा लिया है। अभी इसे ऊपर से मैं इसे सिलते जाएंगे। यदि आप बिगनर होगे और नए नए ब्लाउज सिल रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बताऊंगी, सिलाई का धागा थोड़ा बड़ा लेना है, छोटा धागा नहीं लेना है, कभी गलती हो जाती तो सिलाई निकालने में आसान तरीका हो जाता है इसलिए। तो और फिनिशिंग भी रहती है, छोटा टाका ले ले तो फिर गलती हो जाती, निकालने में कपड़ा खराब हो जाता है। अभी इसे हमें इसे संभाल के सिलते जाना है, देख सकते हो। और यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गए साथ में, और यहाँ पे मैं सुई दबा देनी है, और इसे मैं ऐसे हल्के से घुमा लेना है कपड़े को, और कपड़ा हमें थोड़ा भी खींचना नहीं है, इस बात का आपने ध्यान देना है। पॉइंट आ गया, और एक डबल में सिलाई मार लेती हूँ, यानी मजबूती बनी रहेगी। वीडियो आखिरी तक देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करते जाना है। यदि आप बीच बीच में स्किप करते जाओगे, जो मैं आपको मेन टिप्स बताऊंगी, तो आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हल्के से मैं नॉचेस लगा लेना है बस, और यहाँ पे बाद में ओवरलॉक कर लेना है, यानी धागा दोरा निकलेना। अभी मैं आपको खोल के बता देती हूँ, देख सकते हो आप कितना बढ़िया सा हमारा ये पफ तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने कप भी लगाया नहीं, इसका ही अच्छी तरह से पफ तैयार हो गया है। तो सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बना लेते हैं। अभी दोनों साइड हमने सिल लिया है। अभी आपको एक बात बताना हो जाएगी,
जब यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी लगाते तो जो क्रॉस पट्टी होती है शेप अच्छा आता ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक रीजन बता देती हूँ, एक तो दूसरा पॉइंट, एक पहला पॉइंट बता दिया, अभी दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी। अभी इसे एक थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, हल्के से पाव इंच जितना मैं हल्के से इसे शेप देना हूँ, यहाँ तक ही कट करना है। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉस पट्टी की शेप अच्छी आ जाती है। दोनों तरफ हमें इसे ही कट करना है, पाव पाव इंच पे अंदाजे से लेना है, बिगनर हो गए तो गिनकर ले लेना है। अभी यहाँ पे मैं लेके क्रॉस पट्टी देख सकते हो एकदम परफेक्ट आ जाती है ये, और यहाँ पे भी हमें कपड़ा खींचना नहीं है। सिलते समय एक बात का ध्यान ही देना है, कुछ भी आप सिलो कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। यदि कपड़ा खींचने जाओगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी नहीं और फिटिंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब पूरा ब्लाउज सिलने के बाद हमें ये चीज मालूम होती है। तो देख अभी यहाँ पे जो टक दिख रहा है इसे हमें हमारे पास ले लेना है और संभाल के इसे सिलते जाना है। हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हो गए तो प्लीज जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक ज्यादा से ज्यादा करते हो और कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें समझ में आता है कि हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। अभी इसे हम डबल सिलाई मार लेना है, देख सकते हो अभी यहाँ पे इसे डबल सिलाई मार लिया है मैंने। अभी मैं आपको खोल के बता देती हूँ, अभी इसको ऐसे कर लेना है, देख सकते हो आपके सामने ही मैंने सिला है और देखो कितना बढ़िया सा शेप आ चुका है इस तरीके से। अभी जो दिख रहा है यहाँ पे आड़ा टेढ़ा कौ आ गया है ना, तो इसको हमें हल्के से स्ट्रेट कर लेना है, ज्यादा नहीं, इस तरीके से देख सकते हो थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, इसे छटाई छुटाई तो करनी है, आपको लगा इतने कपड़े में यार क्या हो जाता, हाँ दोस्तों इतने कपड़े बहुत कुछ हो जाता है, फिटिंग की वाट लग जाती, इसलिए कट तो करना ही है। अभी से दूसरा पार्ट भी सिल लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जितना कपड़ा कट कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए ज्वाइंट किया हुआ है। अभी इसके ऊपर हमें लगाएंगे, हाँ दोस्तों यहाँ पे हम हुक पट्टी करेंगे, तो इसे हमें इसे सिलते जाना है। जहाँ पे हमारी जो क्रॉस पट्टी होती है ना, वहाँ पे इसे हल्के से हमें यहाँ पे प्लेट लेनी है, इस तरीके से प्लेट लेने से फिटिंग अच्छी आती है। छोटी छोटी बात आपने ध्यान में रखनी है, मेरे हर वीडियो में मैं बिना प्लेट की कभी ब्लाउज सिलती नहीं, यानी कि इधर यहाँ से जो हम करते ना आई पट्टी हुक पट्टी वहाँ पे, और इसे यहाँ पे लब सिलाई मारते जाना है। हाँ दोस्तों, कौन से टाइप के वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ कमेंट करें, उस टाइप के हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके साथ। अभी यहाँ पे मैंने लब सिलाई मार ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए, तो ये कवर बोलते हैं इसे। अभी यहाँ पे इसे अंदर से कवर कर लेते हैं इस तरीके से, और कॉर्नर में सिलाई मारना है। यदि आपको यहाँ पे सिलाई नहीं पसंद तो आप इसमें यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आजकल कोई हाथ सिलाई करना नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कर सिलाई कर लेते हैं, देख सकते हो। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे में से कट कर लेना है। अभी ये हो गए हुक पट्टी, अभी आई पट्टी। अभी यहाँ पे अस्तर, सॉरी यहाँ पे मेन फैब्रिक लेना है, वो इसके ऊपर अस्तर रख लेना है, देख सकते हो। और जो मेन फैब्रिक का पार्ट हमें ऊपर चाहिए और अस्तर का पार्ट हमें नीचे चाहिए, और ब्लाउज का पार्ट हमें इसके ऊपर रख लेना है। ये हमारी होगी आई पट्टी, और इसे अभी सिलाई सीधे ही मारना है। यहाँ पे हमें प्लेट वगैरह नहीं लेनी है, जहाँ पे हम हुक लगाते हैं वहाँ पे ही प्लेट लेते हैं, और जहाँ पे हुक नहीं लगाते वहाँ पे प्लेट लेना नहीं है। और यहाँ पे जैसे चाहिए वैसे स्ट्रेट हमें सिलाई मारते जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें इसे कट कर लेना है। अभी इसे बाहर निकालना है, जो सिलाई दिख रही है यहाँ पे इसे ऐसे नहीं करना है, इसको इस तरफ करना है, यानी अंदर ये कवर हो जाता है, और आधा या 1.25 इंच जितना में आगे निकालना है, देख सकते हो। तो जहाँ पे हमारी जो सिलाई दिख रही है इसके ऊपर हमें अटैच कर लेना है कपड़ा, और कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई मारते जाना है। हाँ दोस्तों, ब्लाउज सिलना बहुत बहुत ईजी है। ईजी इसलिए होता है कि जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो हमें ब्लाउज ईजी लगता है, यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते होगे तो आपको हार्ड लगेगा। तो कभी भी कुछ भी हम सीखना चाहते ना तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब वो चीज़ हमें अच्छी लगती है करने में, काम करने में भी मज़ा आती है और पैसा कमाने भी में, है ना, सही बात है ना। तो अभी यहाँ पे मैंने डबल सिलाई मार ली है, देख सकते हो। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हमें कट कर लेते हैं। अभी नेक गिन लेते हैं, क्योंकि हमारे कटिंग में हम जो बताते हैं मैं अंदाजे से नेक कट कर लेती हूँ, अभी फाइनल नेक कैसे कट किया जाता है वो बता देते हैं। अभी जो पार्ट हम हुक लगाते वो लेना है, और यहाँ पे मैं गिनना है, हमारी जो क्रॉस पट्टी हमें तैयार 3 चाहिए,
तो ये 3.5 है, तो सिलाई के लिए मैंने 3.5 लिया हुआ है, और सिलने के बाद ही 3 पे आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करना अभी यहाँ तो है नहीं, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमने लेना है नेक 4 और आधा इंच मार्जिन ले लेते हैं सिलाई के लिए 4.5 हाथों से। ये परफेक्ट गला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, परफेक्ट है। और यहाँ पे हमने लेना है 2 का तीरा। ये फाइनल हमारी कटिंग है। अभी इसे हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रख लेते हैं। देख सकते यहाँ पे मैंने बॉक्स सैर कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने इसे चौक लेना है और इसे हमें ऐसे राउंड देना है। देख सकते हो पेन, देखो मैं कैसे घुमा रही हूँ चौक को, ये अपने आप गोल आ ही जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हमें कट कर लेना है। एक बार एक दो बार आप ये वीडियो देख लोगे ना दोस्तों, तो आपको परफेक्ट ब्लाउज आ ही जाएगा। फिर हमें बताना क्या, सही में ब्लाउज सिलना बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है। इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस लगती है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि हम भी बहुत प्रैक्टिस के इसलिए आज हम ब्लाउज अच्छी तरह से सिल पाते हैं। अभी ये हो गया, अभी दूसरा पार्ट लेना है। ये फाइनल हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी जो क्रॉस पट्टी आपको दिख रही है, इसके ऊपर हमें क्रॉस पट्टी पे ऊपर लगा लेना है, और जितना है एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ से हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, निशानी लगा लेते हैं, और इसे भी यहाँ पे हमें निशानी लगा लेनी है। देख सकते हो इस तरीके से। अभी यहाँ पे भी बहुत कम है ना, तो भी हमें कट करना है, इतना भी कपड़ा चलता नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेट, अभी ये स्ट्रेट हो चुका है। अभी वहाँ पे हमने 2 लिया था तीरा, तो यहाँ पे हम लोग 2.5 लेंगे। अभी आपको लगा 2.5 की, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आधा इंच बढ़ गया ना, इसलिए तो 2.5 पे हमें इसे स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। और यहाँ पे भी बॉक्स एयर कर लेते हैं, और यहाँ पे हल्के से हमें राउंड शेप दे देना है। देख सकते हो, और जहाँ पे चौक लगाया है मैंने वहां से इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट, अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख सकते हो आप, यहाँ से लेके और यहाँ से एक बार चेक कर लेना है, कम ज़्यादा तो कपड़ा नहीं है ना। नहीं है, थोड़ा लग रहा है मुझे हल्का सा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। हल्का सा लगा मुझे, है ना। अभी इसे मैं ऊपर रख लेती हूँ बराबर। देख सकते हो ये नेक हमारा, इसे आपको समझ में आ गया होगा। जब हम ब्लाउज पहनेंगे तो शोल्डर थोड़ी भी गिरेगी नहीं। अभी यहाँ पे हम कट करेंगे शोल्डर। अभी शोल्डर बराबर मैंने रख लिया हुआ है, और अभी इसे हमें कट करेंगे आधा इंच की दूरी पे, क्रॉस पे कट करना है। जहाँ पे हमारा ब्लाउज हुक लगता है वहाँ पे हमें करना है, जहाँ पे स्लीव्स लगती है वहाँ पे कट नहीं करना है, अपोजिट नहीं करना है। नेक होता है वहाँ से कट करना है, क्रॉस में आधा इंच इतना। देख सकते हो इस तरीके से। अभी मैं आपको खोल के बता देती हूँ, देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमने पीछे का पार्ट लिया है, जैसे हमने आगे की पार्ट को कट किया था शोल्डर, वैसे भी पीछे का पार्ट का भी शोल्डर कट कर लेना आधा इंच की दूरी पर। देख सकते हो जहाँ पे गला होता है वहाँ से कट करना, स्लीव से कट नहीं करना है। अभी इसे मैं टक्स पॉइंट लगा लेती हूँ पहले। हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारी गीता लेडीज़ कटिंग है, सस्ती है, सबसे अच्छी है, और फिटिंग एक नंबर है। और जिन लोगों ने भी हमारी कटिंग ली है तो प्लीज़ कमेंट करें, यानी जो जिन लोगों को ब्लाउज सिलने का इच्छा होती है उन तक ये कटिंग पहुंचनी चाहिए, और वो भी इजीली ब्लाउज सिल पाएंगे हमारा वीडियो देखकर। अभी इसे आधा इंच यानी कि पुनः आधा पाव पाव इंच पे हमें सिलना है, यानी आधा इंच का ये टक्स रेडी हो जाता है। आगे पीछे कर लेना है, देख सकते हो इस तरीके से। नाखून लगा लेती हूँ हल्के से, यानी फिनिशिंग बनी रहती है। अभी यहाँ पे हमें जॉइंट करना है शोल्डर इस तरीके से, जो भी धागा दोगा निकाल लेना है हमें, फिनिशिंग तुरंत कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें इसे सिलाई मारनी है क्रॉस पे, देख रहे हो जैसे वैसे रखना है, स्ट्रेट में नहीं रखना है। और इसे भी सिलाई मारेंगे, तो इसे में इसे सिलाई मार लेना है, डबल सिलाई मार लेना है दोस्तों, क्योंकि मजबूती बनी रहती है। और बाद में क्या करना है, ओवरलॉक कर लेना है मैं, क्योंकि ये धागा दोरा निकलता नहीं, बाद में मैं ओवरलॉक कर लेती हूँ। देख सकते हो, अभी हम लोग आपको इसके साथ पाइपिंग बता देते कैसे लगाई जाती है। अभी इस ब्लाउज में मैंने कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग लगानी है, जैसे आप देख सकते हो इसमें ये वाला कलर है, तो ये कलर मैंने मैच किया हुआ है, तो ये कलर की हम लोग पाइपिंग लगाएंगे।
तो इसे हमें पौना यानी एक इंच जितना हमें कट करना है, एक या सवा इंच का भी चलेगा। यहाँ पे मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ, तो थोड़ा सवा इंच तक हमें थोड़ी ये पाइपिंग चाहिए, और क्रॉस में कट करनी है, स्ट्रेट में कट नहीं करनी है, तभी हमारी जो पाइपिंग अच्छी बैठ जाती है। नहीं तो आप कम कट कर दोगे, फिर आपको सिलने में मज़ा आएगी नहीं और कपड़ा भी कम पड़ जाएगा। ऐसे हमने दो पट्टी निकाल लेनी है, तो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी कट कर ली। अभी जो अपोजिट साइड हमें इसे रखना है, ये टोक यहाँ तो ये टोक यहाँ होता है, तो अपोजिट रखना इस तरीके से, देख सकते हो, तभी हमारी जो पट्टी स्ट्रेट आती है इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिलाई करनी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस, खाली कपड़ा हल्का सा दब जाना चाहिए, इसके वजह से हम यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिलाई मार ली। अभी ब्लाउज लेना है और इसे हल्के से इसे कवर कर लेना है और आगे पीछे कर लेते हैं, यानी सिलाई निकलेना। अभी जैसे वैसे ही हमें पाइपिंग लगा लेना है, कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं। अभी पाइपिंग का मेन गेटअप होता है, पाइपिंग अच्छी आती है ना, ब्लाउज पहनने में भी अच्छा लगता है, तो क्या पाइपिंग आड़ी टेढ़ी आ जाती तो मज़ा नहीं आती है ना। तो जैसे वैसे इसे रखना है, और हम जो कुछ भी सीते हैं वो कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। अभी आप बोला कितनी बार बोल रही है, हाँ बोल, मेरा काम है बताने का, क्या होता है बीच बीच में स्किप कर दिया तो मेन पॉइंट आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपने कपड़ा खींच के पाइपिंग लगा ली तो आपकी पाइपिंग अगड़ बगड़ हो गई, तो आप बोल गए ये बराबर नहीं है, है ना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार, कि जब मैं सीखने जाती थी मेरी मैडम तो मुझे बार बार बताई, देखा गीता पाइपिंग जो हम लगा रहे कपड़ा सिले तो कपड़ा खींचना थोड़ा भी नहीं है, तो फिर तुझे ही डबल काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग बार बार बताते। तो वही मुझे लगा आप जो सीख रहे होगे तो आपकी भी पाइपिंग हमारे जैसे अच्छी आनी चाहिए। जो आपने क्लास किया होगा आपको तो मालूम होगी मैडम कैसी बताती है ना, तभी तो हम सीख पाते हैं, नहीं तो क्या नहीं। तो इसे अच्छी तरह से सिलाई मार लेती हूँ मैं, सिलाई तो पूरी मार ली। अभी यहाँ पे मैं हल्के से नॉचेस लगाना है, जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे ही बस, और सिलाई को छोड़ के मारना है, सिलाई को पकड़ के नहीं तो सिलाई निकल जाएगी, फिर हमें डबल सिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे जहाँ पे राउंड दिख रहा है आपको, वहाँ पे मैं हल्के से आधा एक इंच की दूरी पे कट लगा लेती हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे कट लगा लिया। अभी यहाँ पे हम लोग पाइपिंग दोरा लगा लेते हैं। अभी आपको लगा हर बार आप पाइपिंग दोरा ही बताते हैं, हमें ऐसे बताते नहीं, नहीं दोस्तों पाइपिंग दोरा लगाने से क्या तो पाइपिंग अच्छी आती है, वो फिनिशिंग भी आती है और इजी काम हो जाता है। आप प्रैक्टिस करो आपको भी आ जाएगी। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिलाई, मैंने वही सिलाई से हम लोग पाइपिंग दोरा लगाते हैं। यहाँ पे अलग से हमें यहाँ पे बूट वगैरह लगाना ही नहीं है, जो बूट है उसे हम लगा लेते हैं। खाली धागा हमें पतला वाला लेना है, इस बात का ध्यान देना, यदि आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारी जो वेबसाइट है जो आप वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर कॉर्नर में हमें सिलाई मारते जाना है। यदि आप नए बिगनर हो गए तो आपने हाथों से सिलाई मारनी है, देख सकते हो एकदम पतली वाली हमारी पाइपिंग तैयार हो रही है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो नॉर्मल हम मशीन की सिलाई लगाते हैं उससे ही हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेती हूँ मैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख सकते हो कितनी बढ़िया सी पाइपिंग हमारी तैयार हो रही है। जो नए हो गए उनको नहीं जमती है ना पाइपिंग, तो आपने हाथों से सिलाई करनी है, बस एक बार हाथों से सिलाई कर लिया ना तो आपको आ जाएगी। और कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई करते जाना है, एकदम कॉर्नर कॉर्नर में, और दबा लेना है सुई, देख सकते हो इस तरीके से अंदाजा आ ही जाता है। धागा जहाँ पे हमारा अटक जाता है तो सिलाई उसके साथ ही बराबर आ जाती है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली इसमें ध्यान देना पड़ता है, धीरे से मशीन चलाना पड़ता है, फास्ट नहीं चलाना पड़ता है। यदि फास्ट चलाने जाओगे मशीन तो फिर धागा के ऊपर हमारी सिलाई दिख जाएगी, फिर अच्छा फिनिशिंग आएगा नहीं। तो संभाल संभाल के धीरे धीरे हमें यहाँ पे सिलाई करते जाना है। और देखो मैं जैसे जैसे करते एक भी धागा हमारा ऊपर आया नहीं, बराबर खाँचे के अंदर ही सिलाई लग गई है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है। पाइपिंग अच्छी आती तो ब्लाउज भी अच्छा दिखता है, और एक तो फिटिंग और यहाँ पे शोल्डर गिरने लीजिए, ये तीन चीज़ें हमें बहुत ध्यानपूर्वक सिलाई करनी है ब्लाउज की। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई मार लेती हूँ दोस्तों, आपने तो वीडियो देखा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना इसलिए।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से हमारी पाइपिंग लग गई है, और पाइपिंग हमारी ऐसी उल्टी भी नहीं हुई, कुछ नहीं, जैसे वैसे ही बिठा दिया है। मैंने थोड़ा भी कपड़ा खींचा नहीं, रिजल्ट आपके सामने है। अभी हम डबल सिलाई मार लेते हैं अच्छी तरह से, जो ये कपड़ा दिख रहा है आपको कवर हो जाएगा, नहीं तो ये कपड़ा दिखेगा अच्छा नहीं लगता है। और इसे हल्के से अंदर कवर कर लेती हूँ मैं, और डबल सिलाई मार लेना है, एक जैसे ही मारना है, आड़ी टेढ़ी नहीं मारनी दोस्तों। इसकी जो माप से हमें मारना, ये जो दिख रहा है आपको बूट, उसके नाप से हमें मारते जाना है सिलाई। एक जैसी सिलाई आ जाती है एकदम इस तरीके से, एकदम धीरे धीरे करके मारना है, एक ही लाइन में मारना है, बड़ी छोटी नहीं मारनी है सिलाई। तो सारी सिलाई मार लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई मार ली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें आपको स्लीव्स कैसे जॉइंट किया जाता है, फिटिंग कैसे की जाती है, और यहाँ पे जो शोल्डर हमारा जो आगे पीछे होता है कम कैसे किया जाता है, कंबर पट्टी नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर देखने में मजा नहीं आती, हमें यहाँ पे मेन मेन चीज़ देखनी है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दो पार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही प्यारों सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।